अस्सलाम वालेकुम। सर अपना तारुफ कराइए। जी मेरा नाम सैयद बशीर अहमद है। जी मैं बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। जी सर। सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंद्रागढ़ना। जी सर। ओके, मेरा फादर जो है ही वाज अ टीचर। ओके। सो ही वाज इन आर्किटेक्चर। जी। इन माय डिप्लोमा इन कैपिटल पॉलिटेक्निक। तो मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट करें यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। जी। सो आई स्टार्टेड माय करियर। जी। स्लोली जो है मैं जो है मेरा ये जो है जॉब जो है आई शिफ्टेड। सर हमारे सोसाइटी में नौजवान ऐसे हैं जो स्किल उनके अंदर है लेकिन उनको उभरने वाले कोई नहीं थे, तो आज एनआर के जो राजीनगर मशहूर एरिया है वहाँ मुस्लिम कॉलेज बैंक के बिल्कुल सामने जो आप एग्जिस्टिंग जो शहर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, फर्स्ट तो आपको मुबारकबाद हो। दूसरा ये कि आप वो क्या कोर्स करने जा रहे हैं जो बच्चों को आने वाले दिनों में उनका फ्यूचर बन सकता है, थोड़ा हाईलाइट दीजिए। The purpose of launching this institute जो है जी तो मेरा जो रास्ता हुआ जी बच्चों से जी जी मेरा जो रास्ता हुआ बच्चों से जी वो जो है ग्रेजुएशन होता है जी इट इज अ गुड वे फॉर्मल एजुकेशन होना इज मस्ट मैंडेट जी मतलब उसके बाद जो है जॉब के लिए जो है जी ये रिक्वायर्ड टू अक्वायर सम स्किल ऑफ कोर्स तो देयर आर इन द रिस्पेक्टिव फील्ड जैसे कि जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर ही डोंट नीड टू वर्क इन ओनली इन द ऑपरेटिंग रूम यस सी देयर आर मेनी फील्ड्स He can pursue his career in the inspection. He can pursue his career in planning, design and drafting. Aisa hai. But I felt myself, yahan Mysore mein jo hai, ki I think they need a free counseling. Kyunki jo hai, unko jo hai, wo graduates hain, unko maloom hai. Bilkul sir. So this is what I mentioned to my associates. We will increase our free counseling to the youth. And it is up to their choice. We will recommend them. See, these are the courses to be done. Aur inke zaruri nahi ki yahan se karo pa. Ji. Where are the courses available nearby? We will yahan se bhi kar sakte hain. बहुत अच्छा सवाल पूछे हमारे जो दोस्त जो है ताहिर जो है उनके साथ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था बहुत सालों से कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उन्होंने जो है एजुकेशन दिलाने में जो है जितना जो सालों से जो काम जो कर लगा रही तो ये कोरोना के टाइम पे जो है मुझे जो है उन्होंने बहुत सारे एक बच्चों को मुझे मिला है उसमें एक बच्चा जो पे था तो जो है वो ग्रेजुएट्स हैं मगर उनको बगैर जॉब के जो है वो बैठे और बिकॉज ऑफ द जॉब फ्रस्ट्रेशन उन्होंने क्या कर रही है सो डिसिप्लिन को जो है स्विच ओवर कर ले मैकेनिकल इंजीनियर है स्विचिंग ओवर विद आईटी यस यस सो दिस इज नॉट अफेक्ट रियली बैड सो जब मैं जो है मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मैं उनसे शेयर करा क्या मतलब जो है एक पांच साल पहले जो है मैं एक्सटेंडेड माई फाइनेंशियल सपोर्ट फ्यू गैस एज एन इंडिविजुअल मैं बोला अभी जॉब में इसमें चेन्नई में और मुंबई में जो है ये स्किल है तो मैं जहाँ को ये स्किल कर लेता हूँ इट वॉज जस्ट ए मैटर ऑफ 3 वीक्स और एक कोर्स उन्होंने जो करे वो 4 वीक्स है ओके वो करे सो कुछ ही देर में जो है उनको जॉब मिल गया नाउ दिस गाइस आर वर्किंग इन द आयरन गैस फील्ड में सो वहाँ पे जो है मुझे ये एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं वी शुड ब्रिंग दिस इशू तो मैं जब हमारे एसोसिएट्स ने बताया सो दे सपोर्टेड मी लॉट एंड आई गो एक्टिव उसमें कोई भी ये नहीं बोला अभी ये जो स्पीच आप हमारे डॉक्टर साहब से जो सुने हैं सी गॉट अ वेरी ब्रॉड विजन मेरा नहीं था वो विजन अभी ये होने के बाद जो है नाउ आई एम अलाइन विद देम इंशाल्लाह जो भी मंथ हमें करेंगे ये चीज मैं तुम्हारे मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहूँ भी यहाँ पे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जो फ्री काउंसलिंग करा था बच्चे जो है आए आफ्टर सीइंग द फीस जो है उन्होंने सरप्राइज उन्होंने बोला मुझे ऐसा कैसे हो सकता है इतना कम बोलो मैं बोला दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब पैसे कम फीस कम है बिल्कुल जो है देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन द ये कोर्स सो दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा सर दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जी सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे मैंने जाना यहाँ पे जो लोग आए हुए थे खुसूसन ये जो अमीर लोग अभी आए थे उनसे स्पॉन्सरशिप की बात हुई तो उन्होंने कहा इब्राहिम सेठ साहब ने कहा कि कोई अगर काबिल है लेकिन वो कोर्स की फीस दे नहीं सकता तो वो लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको एक तरह से एक उन लोगों को फायदा आप दे सकते हैं या कि आप एक सीढ़ी बन सकते हैं लोगों को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए तो आप क्या कहेंगे सर ये बहुत अच्छी बात बना जी एक्चुअली इससे पहले भी जो है हमें डिस्कस करें जी क्या करेंगे जो भी बच्चे जो एडमिशन को आते हैं वी शुड टेक द मीन यस ओके अब उसमें जो फाइनेंशियल के पे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो है ऑलरेडी फी स्ट्रक्चर जो है एट मिनिमम लेवल है एंड मार्केट प्राइस में जो है 30-40% लेस है जी उसमें कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि वी हैव रन दिस स्ट्रक्चर इसके अलावा जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो है
तुम्हें क्या करो डाइवर्ट टू अवर कंज्यूमर नो क्या करते हैं फीस जो फीस है वो दे देते हैं सो द स्टूडेंट विल कंटिन्यू द आपका हमेशा एक फिक्र रहती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं तो एक तरह से अभी जो ये शहर स्किल डेवलपमेंट है एक तरह से मैं समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो बच्चे को क्या कहेंगे सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है जी। इसका अंदाजा मुझे है तकरीबन 35 साल टीचिंग के प्रोफेशनल रहकर हमारे बच्चों की क्वालिटी देखा हूँ मगर कमी आज वो बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की नहीं है खुद एतमादी जब उनके अंदर खुद एतमादी आ जाते है तो वो दूसरों को जवाब देने की काबिलियत होंगी बिल्कुल उसके वास्ते क्या आज के प्रेजेंट जो डिजिटल लाइफ चल रही है आज की मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर तीन चीजों की जरूरत पड़ती है एक कम्युनिकेशन स्किल स्पोकन इंग्लिश कंप्यूटर नॉलेज बॉडी लैंग्वेज ये चीजें की जरा हमें पॉलिश करके पुश कर दिया तो इंशाल्लाह वो छा जाए बिल्कुल ये अल्लाह की जासे हमें उम्मीद है और हमें तजुर्बा भी है जी। वो काम वही हमारे सीईओ साहब जो सैयद मोहम्मद बशीर भाई हमारे एक बेड़ा उठाए हैं हम इनके साथ हैं और तमाम आज जितने भी अहबाब यहाँ आए थे वो सब एक एक इदारा ही बिल्कुल अपनी अपनी जगह एक एक इदारा ही और बहुत क्वालिटी महफिल जमी थी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बहुत बच्चों का भला होगा खुसूसन बच्चियों का जो लड़कियां हैं जो बाहर जॉब को नहीं जा सक रहे वो बच्चियां आज चार जूनियर कॉलेज अलाज नंदर सेठ साहब जो उनकी जद्दोजहद से जो गवर्नमेंट कॉलेज शुरू हुए हैं 150-200 रुपए में फीस कम कर उन्हें से पास कर रही अब वरना वो बच्चों का मुस्तकबिल तारीख था अपना था आज वो बच्चों को पीयूसी पास करने के बाद टैली या फोटोशॉप या फिर यू लीड या फ्रंट लाइन इस किस्म के छोटे छोटे ट्रेनिंग दे डाले तो इंशाल्लाह वो खुद एतमादी के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग है इसे कोर्स कर लेकर वो खुद अपने पाँव में खड़ सकते थैंक यू सर इस सेंटर के रूल रवा इस सेंटर के रूल रवा ये इस इसके मैन बिहाइंड द प्रोजेक्ट जनाब बशीर अहमद साहब ये छोटे से खरिये में पैदा हुए किए पल में ये मेरे फुफेरे भाई भी हैं इनके वालिद हाई स्कूल प्राइमरी टीचर थे इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने डिप्लोमा किया कैरपेट में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कंपनी में बहुत बेहतरीन काम में ही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा नवाजा है इसके बावजूद मेरे साथ इन्हों सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं बच्चा के एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ साथ दे रहे हैं करियम के बच्चों के लिए जब इन्हों मेरे साथ तबादला ख्याल करें तो इनकी एक्सपीरियंस क्या है बोले तो जो भी बच्चे डिग्री करके बाहर निकल रहे बीई डिप्लोमा इनके बाद इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा की एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा बोले तो इनको एक छोटा सा इनको शार्प करना है ये शार्प कर रहा है तो एक और छोटा मिल गया तो इंशाल्लाह इनका काम हो जाता है इनका एक बड़ा पार होता बोलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये सेंटर से इनकी ब्रेड बटर चलने का नहीं है ठीक है तो इस अभी भी स्टिल यू नो दुबई में वर्क कर रही ये इनकी ओन बिल्डिंग है और पैसा लोन इनका नहीं है पूरा इनका खास पैसा और इनो इससे इनकी रोजी नहीं है अब इन 15 तारीख के बाद इनो निकल जाते पूरा सेटअप कर सेटअप करके इनके काम से इनो चले जाते 20 दिन में इनो और वापस आते हैं इनका 20 दिन काम है 20 दिन छुट्टी है ऐसी कंपनी में ही से खास बिल्डिंग ओन पैसा और इससे कमाने का नहीं है और इनका क्या है बोले तो सेंटर भी चल रहा बच्चा को फायदा भी जहां 10 रुपए फीस दे रही इनो 3-4 रुपए में काम कर देते सेंटर भी एस्टेब्लिश होना और बच्चा को खिदमत भी होना वो जज्बे से इन्हों काम कर रही मैं तो इनके सामने है एक बच्चा केयर पेट से आ जाको है इधर से इधर रहमान खान साहब के बगल में रहमान खान के रहमान खान साहब के एकदम पड़ोसी केयर पेट में बच्चा एतीम बच्चा मामू इनके इनको साथ ही सो ये बच्चा मुझे 7 पहले से फोन कर बोला हजरत मुझे 92% आपको SSLC में मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान अल्लाह का करम मैं बोला मैं कह रहा हूँ केयरपेट से फोन करा मैं मैसूर में था सुबह को तुम्हें क्या को आना नहीं तो मैं केयरपेट को आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इनको डिप्लोमा करें बीई करें इन सिविल करें बीई इन सिविल करें मुझे 2 महीने पहले इनका कंप्लीट हुआ कोर्स मुझे इन क्या बोले कर बोले तो भैया सिविल में मुझे स्कोप नहीं है
मई मजे तुम्हें 25,000 रुपए दियो, मैं बेंगलुरु को जाकर एक कोर्स कर लेको, आईटी कंपनी को चले जाऊंगा। मैं इनके साथ डिस्कस करा, इन्होंने बोला हरगिज भेजो ना, सिविल का बच्चा आईटी कोर्स कर लेको, छोटा कोर्स कर ले गया तो उन्हें उन्हें क्या रहा है, तो लेबर क्लास में चलता मंजे उसे काउंसलिंग करने की होगा। मैं फोन किया, उन्होंने बोला 20-22 साल का 22 दिन का कोर्स करा दो। कोर्स करा को मैं इसे काम उसकी फील्ड में कितनी ऊपर ले जाना, अति ऊपर ले जाना। और ये इंस्टीट्यूट का पहला बच्चा है, इंशाल्लाह हजरत से सर्टिफिकेट में मिल गया और फ्री स्पॉन्सरशिप में 25,000 रुपए का स्पॉन्सरशिप फ्री दे। अभी रोज बच्चा केआरपेट से पास कर रहा, पास कर लो आपको जाकर एडमिशन बेहतरीन मकसद से काम कर रहे हैं। Can you introduce yourself? Yeah, actually my name is Shiva Prasad. Okay. I'm a mechanical engineer with 15 years experience in industrial sector, mechanical industrial sector. Okay, okay. Sir, today anyhow Sahar development skill development program is inaugurated. Okay. About congratulations about that. Yeah. Existing what training you have, sir? Sir, actually we have developed some training programs for engineers, diploma holders, and IT to develop their skill in various sectors of engineering. Like in civil engineering, mechanical engineering, and electrical engineering. Okay. We have designed and developed some courses. Okay. Not courses, we can say it as skill development program, because whenever we are completing our program for engineering program, you don't have enough skills to go to industrial sector. Mm-hmm. So that we have developed. We are all coming from industrial sector. Okay. And one, we know how to develop an industrial technician or a professional engineer, how to develop, we know that. So that we have developed some courses for civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, IT holders, etc. Any particular age limit is there, sir? Age limit, actually, this is a skill development program. From industry also you can study, so that there is no age limit to study, develop your skill. Okay. Yeah. And compared to other skill development programs, what is the specialty about yours, sir? Actually, sir, we are giving training not in a theoretical model. Uh-huh. Whatever the theory we are saying, we are doing it practically. Hmm. Okay. There is no distinction between theory and practical. If you are studying theory only, then you have to go for the practical. We are having practically proven track record. That's what our specialty. Okay. Sir, after SSLC also, there are so many youths. Yes. They are spending a waste of time in blah, blah. So, what is your message? They have to gain the time and all. Okay. Actually, if you want to go to industry, yeah. For SSC, actually already we have discussed in the inauguration, right? Yeah. For a 7th class also, you can go for some technical courses like fabrication, welding. Mm-hmm. Like that, you can develop your skills and you can go to the industry. Particular duration is there for any courses and all? Duration, sir, actually every course is from 1 month to 3 months. Okay. Okay, if they can't develop their skills in that 1 month or 3 months, we will give more duration. That's okay. All. From morning to evening, what is the time of your... 6 hours. 6 hours Friday. No, miss, from morning what time morning it will be started? At 10 we will start and okay. Stop at 1 o'clock and again 2 we will start, we will stop at 5 o'clock. Congratulations, miss, all the best to you. Yeah, thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज शहर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का जो इफ्तिताह हुआ है, आप आए हैं, मैंने सुना कि आपको एजुकेशन के वास्ते मदद की गई थी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम साहिद पाशा है, मैं कैरपेट से हूँ जी। मेरा एसएलसी हुआ, एसएलसी के बाद मुझे मदद चाहिए कि डिप्लोमा पढ़ना मेरा इंटरेस्ट था। एसएलसी के बाद आपको डिप्लोमा पढ़ने के लिए ख्वाहिश थी लेकिन पैसे नहीं थे जी। उसके बाद ताहिर मामा ने मामा का नंबर मिला, मैंने फोन किया। अच्छा। मामा मैं एसएलसी पास हुआ हूँ, मुझे डिप्लोमा पढ़ना है जी, कुछ पैसे की मदद चाहिए। आपके रिश्तेदार है वो? रिश्तेदार नहीं, बस आपके मामा लखब दिया जी जी। तो बाद में क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम भी मेरे पास आने का तो मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा जी। देखो मैंने बोला, उसके बाद उन्होंने एडमिशन कराया जी, डिप्लोमा अल्लाह को तन सिला, उसके बाद 3 साल मेरे अल्लाह की तरफ से जी। उसके बाद मामा बीई भी पढ़ना चाहता हूँ जी, डिप्लोमा पढ़ बीई भी पढ़ना चाहता हूँ बोला जी। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, बीई भी पढ़ो, अल्लाह की तरफ से बीई भी 4 साल मुकम्मल हो गया आपका माशाल्लाह। अब ट्रेनिंग करना चाहता हूँ मामा, देखे मैंने बोला हाँ ठीक है, ट्रेनिंग यहाँ ही। यानी आज जो शहर स्किल डेवलपमेंट सेंटर हुआ है वहाँ आपसे ट्रेनिंग लेने आए हैं आप, माशाल्लाह विश ऑल द बेस्ट है। जो देख रहे हैं आप, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, आप जैसे नौजवान हैं, उनको क्या बताएंगे आप, मैसेज क्या है आपका? मैसेज
मैसेज ये है कि पढ़ना छोड़ो, कोई मुश्किल आ जाए पढ़ना मत छोड़ो, इंशाल्लाह सपोर्ट इंशाल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह देगा बेशक। हजरत आपका नाम बताइए। गफर। गफर, आपके बेटे को मुश्किल होने के बावजूद उसने सिर्फ अल्लाह से दुआ की और जरिया ताहिर भेजे से लोगों मैंने, तो देखने वाले को आपका क्या मैसेज है, आप क्या काम क्या करते हैं आप? छोटा मोटा जी 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 है, नहीं पूछ जाए तो मदद जी, हमारा बच्चा पढ़ा है जी, थोड़ा पैसे का सपोर्ट कर जी, और दिनों हमारा हाउस भाई उनके मदद करना मालूम है नाम जमा जी जी, उनको मैं कॉल करें जी, जी क्या बंदोबस्त करेंगे, क्या बंदोबस्त करेंगे जी, उसके वास्ते एडमिशन की सब दिए जी बंदे जो अमाउंट तो इसका स्कॉलरशिप छोड़ा हमें वापस दिया, और लेकिन फिर भी आपका बच्चा लायक बन गया अच्छा जी जी, शुक्रिया।